अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों। आई एम काशिफ नवाज, माय नेम इज़ फादर चौधरी मोहम्मद नवाज, पाकिस्तान कंट्री। हम छोटी सी ये आज करना चाहते हैं, जब भी बच्चे शहरों में या किसी गांव में ये गुड्डी उड़ाते हैं शौक से, उसके साथ सीलम का तागा होता है, वो बहुत सख्त होता है, तो पुलिस डिपार्टमेंट इतना कीमती वक्त जाया करके आपके पीछे भागती है कि आप एहतियात करें, गुड़ी जो है ये पतंग ऊपर से ना उड़ाएं। वो इस वजह से कहती है कि किसी की जान बच जाए, किसी की जान ना चली जाए। जान किस तरह जाती है कि जब आप वो पतंग उड़ाते हैं तो उसके साथ सीलम का तागा होता है, वो खेलते खेलते कभी किसी बच्चों के साथ हाथ से छूट जाती है, वो जब छूटती है तो धागा टूट जाता है। तो शहरों में मोटरसाइकिल हैं, गाड़ियां चलती हैं, मोटरसाइकिल की भी रफ्तार होती है, और जो पतंग जब छूट जाती है ना, उसका धागा जो जहरी बात है वो नीचे पड़ा होता है, यानी कि ऊपर चला जाता है। वो इंसान की गर्दन में 2 सेकंड के अंदर इतनी उसकी रफ्तार होती है, वो काट देता है। इस वजह से जान जाती है, पुलिस डिपार्टमेंट अपना कीमती वक्त जाया करती है आप भाइयों के लिए कि ये ना उड़ाएं। आप लोग माइंड करते हैं कि ये हम बच्चे खेलते हैं, शौक करते हैं, और ये जो है हमें टॉर्चर करते हैं, वो इस वजह से करते हैं कि शहर में जो जिसकी जान जाती है, हो सकता है उसके पीछे 4-5 बच्चे हो खाने के लिए, उनका और कोई सहारा ना हो, तो छोटी सी गलती की वजह से चली जाए। इस वजह से आप भाइयों से रिक्वेस्ट है कि आप इस चीज की एहतियात करें, और ये आपको भी पता होना चाहिए कि शहरों में ज्यादा तादाद होती है, और तादाद की वजह से जब जो हजारों जब पतंग उड़ाते हैं, कोई ना कोई टूट भी जाती है, टूटने से और किसी की गर्दन के आगे अगर धागा गुजर गया रफ्तार से तो उसकी गर्दन काट देगी, उसकी जान चली जाएगी। इस वजह से आपको पुलिस वाले भी हिदायत करते हैं कि ये एहतियात करें, ना खेलें, और ये वीडियो भी शेयर करें। और कुछ भाइयों को नहीं मालूमात होती, और उनको थोड़ी सी मालूमात हो जाए कि इस वजह से कोई भाई समझाता है कि नुकसान क्या है, तो जहरी बात है कुछ शौक से कहते हैं कि हम अगर दो एक लादा लादा आदमी पतंग उड़ा रहे हैं और उसके साथ हमारी जो पतंग है ये टूट ना जाए, वो सख्त सीलम का तागा उसके साथ टच करते हैं। तो जहरी बात है जब सख्त टच करते हैं तो अगर टूट भी जाए तो आगे किसी आदमी या औरत लेडीज के गर्दन में फौरी तौर पर स्पीड के साथ गुजर जाए तो वो 1-2 सेकंड में वो गर्दन को उड़ा लेगी। इस वजह से जो हम आप भाइयों को रिक्वेस्ट की है, आपको अवजारी के लिए माजरत, और इनको लिए समझें और इसको शेयर करें, और किसी की जान को बचाने के लिए जो है हिफाजत कर लें।